हेलो बच्चों, आज की क्लास में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है विद एमसीक्यू। पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पढ़ा था और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और धीरे धीरे ऐसे सारे टॉपिक का आएगा, फिर आपको एक साथ एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे फाइंड करते हैं? नेट प्रॉफिट को फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन एक डिफरेंट अकाउंट है जो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। आफ्टर डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या है? एक्सटेंशन है। और हम इसमें क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट हमारा आया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं कि जो प्रॉफिट आया बस डायरेक्ट वही प्रॉफिट उनका, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, नहीं। यहाँ पे कुछ पैसा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर प्रोवाइड हो रहा है, कुछ एज अ सैलरी, कुछ एज अ कमीशन, और उसके बाद अगर कोई पैसा हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है अपने फ्यूचर यूज के लिए तो उसमें भी ट्रांसफर करेंगे, और फाइनली उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो इनकम टैक्स पेड बाई पार्टनरशिप फर्म है वो क्या माना जाएगा? बिजनेस एक्सपेंस होगा। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप जब पढ़े थे, पिछले साल फाइनल अकाउंट बनाया था, तो अगर कहीं इनकम टैक्स आता था तो उसे आप क्या करते थे? पार्टनर्स के कैपिटल से आप माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में आपके लिए जो इनकम टैक्स होगा वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, तो इसे हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा करेंगे, ना कि किसी के कैपिटल से माइनस करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके आगे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, सेम उसी तरीके से प्रिपेयर होगा। बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, तो इसके लिए एक तरीका बताते हैं। ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है ये किसके लिए बना रहे हैं? फर्म के लिए। तो फर्म के एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं और जो इनकम्स या प्रॉफिट्स हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं? हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एप्रोप्रिएशन किसका है? फर्म का है। तो अब अगर फर्म में कोई प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लाया गया तो उसको हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये पूरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, उसी में आपको बताया था कि रेंट पेड टू पार्टनर या फिर मैनेजर कमीशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशियंट है, मतलब प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा है और ये सारे एक्सपेंसेस आपके पास कम हैं, जैसे मान लो कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका कितना है, मान लो कि 1 लाख रुपीज़ है, और आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट और मैनेजर्स कमीशन ये सब मिला के आपके पास कितना है? 40,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना सकते हैं बिना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा किसको? इन तीनों चीज़ों को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन, इन तीनों को माइनस कर दोगे, फाइनली जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट ही आपको मिलेगा। इसके बाद अब अगर पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाल रखा है तो उसे उस पर इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए उसका क्या है? इनकम क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
एज्यूम कर लिया कि दो पार्टनर हैं ए और बी, जिस रेट से होगा उस रेट से यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या आएगा, टू प्रॉफिट लॉस, अगर नेट लॉस आया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो अप्रोप्रिएशन के वो डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे आप, इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट, ठीक है, ये चीजें लिखी जाएंगी। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा, पार्टनर्स सैलरी आएगा, पार्टनर्स कमीशन आएगा, रिजर्व में अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया तो वो भी यहीं पे डेबिट हो जाएगा अप्रोप्रिएशन में, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, सपोज क्रेडिट का टोटल आपका कितना है, मान लो कि 60,000 है, और डेबिट का टोटल आपका सिर्फ यहाँ से लेकर के ये प्रॉफिट है अगर, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके ये कितना है आपका 30,000, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, और इसे जो भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कैपिटल फिक्स होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट हो जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस कंडीशन में होगा, जब कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें जो भी आइटम्स आए हैं, जैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी कमीशन आ गया, इन सब का कैलकुलेशन अगली क्लासेस में आपको मिलेगा, वन बाई वन करके विथ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका। अब अगर हम इसके जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल एंट्री की बात करें, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था अप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या फिर इधर जो नेट लॉस है, हमने इसको ट्रांसफर किया था, तो सबसे पहले हम इसी के लिए एंट्री पास करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमारा आया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसको हम ट्रांसफर जब करेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है कोई भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और हमने कहाँ से ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉस है, नेट लॉस आया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो एंट्री वाइस वर्सा हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं, बस आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर डिटेल में देखना है आपको वीडियो तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमें पास करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो एंट्री पास होगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ किया जाएगा, और उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज करने के लिए। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इंडिविजुअली। जैसे अगर दो पार्टनर हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो कंबाइंड लिखेंगे, दो पार्टनर हैं दोनों का जितना मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हुआ टोटल लिख लेंगे, और दो पार्टनर हैं तो क्या लिख लेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखा जाएगा, और इनका अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट के सामने लिखा जाएगा। फिर इसके बाद ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, फर्म के लिए क्या है ये एक्सपेंस है, इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज, कोई भी एक्सपेंस है तो हमें उसे क्लोज करना पड़ता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंस्टेड ऑफ दीज टू एंट्रीज, इन दोनों की जगह पे हम एक एंट्री पास कर सकते हैं, क्या एंट्री होगी, वो एंट्री आपकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट कैसे एंट्री हमने बनाई, इन दोनों का एडजस्टमेंट कर लिया। कैसे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो एक एक एंट्री में डेबिट, एक एंट्री में क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन में जैसे आप कैंसिलेशन ऑफ टू एंट्रीज पढ़ते थे ना, रेक्टिफाई एंट्री फाइंड करने के लिए, उसी तरीके से क्योंकि दोनों एक ही ट्रांजेक्शन की एंट्री है तो हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो अगर कोई अकाउंट सेम साइड में होता है तो उसका पैसा जुड़ता है और अपोजिट में होता है तो घटता है, दोनों में बराबर होगा। कैंसिल कर दिया, हमें सेकेंड एंट्री से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट मिल गया और फर्स्ट एंट्री से हमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट क्रेडिट मिल गया। तो एंट्री क्या बना ली, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पहले चार्ज होगा और बाद में उसको क्लोज कर देंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो जब चार्ज करेंगे तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिलता है तो क्या होगा, फर्म का इनकम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो रिड्यूस होगा तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करने पे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, पार्टनर से होने वाला इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करके। क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है, पार्टनर्स को अगर सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, अच्छा इस एंट्री में भी बता दें, आप चाहो तो इन दोनों की जगह पे सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर सैलरी और कमीशन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस पे करेगा पार्टनर्स को, तो एक्सपेंसेस है डेबिट होगा, पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट, और मिलेगा पार्टनर को तो उनका क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा, इसलिए उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बन जाएगी, पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये तो अलाउ करने के टाइम हो गया, अब अगर एक्सपेंस हुआ तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और एक्सपेंस एंड लॉसेस किधर आते हैं, डेबिट में आते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट। यहाँ भी आप इन दोनों की जगह पे एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, कैंसिल कर दो। क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा एंट्री पास नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन के लिए हमने एंट्री पास की है। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे, देखो अगर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है तो अभी तो हमारा प्रॉफिट जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। रिजर्व हमारी लायबिलिटी में है तो ये इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। फाइनली रिजल्ट फाइंड करेंगे इसका, और अगर हमारा क्या है, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट किससे ज्यादा है, डेबिट से ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अगर बांटोगे तो फर्म से तो जाएगा पैसा, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मिलेगा पार्टनर को, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल कब लिखना है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा, और करेंट अकाउंट कब लिखना है, जब कैपिटल आपका फिक्स होगा। तो ये तो हो गया प्रॉफिट के लिए। सपोज अगर लॉस होता तो लॉस के लिए हमें क्या एंट्री पास करनी होती, यही एंट्री क्या होती, रिवर्स हो जाती, या हम कह सकते हैं वाइस वर्सा। तो एंट्री क्या होगी लॉस की कंडीशन में, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए। तो ये तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग का था कि जिसमें हमने ये जान लिया कि एंट्री क्या होती है, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएशन में। और अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे 5-6 होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड टू अ पार्टनर कम्स अंडर कहाँ पे आता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी आपको दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी दिया है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर पिछली क्लास में ही बताया था आपको, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसमें कैलकुलेट किया था। क्या बताया था आपको कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, रेंट पेड टू पार्टनर है, या मैनेजर कमीशन है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे और कहीं ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन, सैलरी पेड टू मैनेजर विल बी शोन इन कहाँ पे दिखाएंगे भाई, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले तो देख लो कि यहाँ पे हमने पेमेंट किसको किया, मैनेजर को। मैनेजर को कोई भी पेमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखा जाएगा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गया। अब थोड़ा सा रूल भी ध्यान रखो कि क्या बताया था, मैनेजर का खर्चा पार्टनर का तो है नहीं, है ना, वो बिजनेस एक्सपेंस है। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो यानी कि अप्रोप्रिएशन भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे, पार्टनर से उनके ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, या फिर रिजर्व में ट्रांसफर किया, इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्या किसके लिए दिया है, सैलरी पेड टू द मैनेजर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, सैलरी पेड टू पार्टनर विल बी शोन इन। अब दो क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें मैनेजर को पेमेंट हो रहा था या पार्टनर को रेंट पे हो रहा था। तो रेंट पेमेंट भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो वो पार्टनर का क्या है, अप्रोप्रिएशन है, जिसको हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाते हैं। देखो, सैलरी पेड टू पार्टनर इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, ये नेट प्रॉफिट से दिया जाता है, तो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विल बी सोन इन पूछा, कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी दिया है, तो सैलरी तो पार्टनर को मिलेगी, तो कैपिटल या करंट में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये यह नहीं पूछा था कि कहाँ पे दिखाएंगे, पार्टनर के अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली इसने पूछा कि सैलरी अगर पार्टनर को पे किया तो कहाँ दिखाएंगे, फर्म के लिए क्या होता है अप्रोप्रिएशन, वहां पे दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, और क्या आता है, पार्टनर्स पार्टनर्स सैलरी आता है, और कमीशन कमीशन भी आता है पार्टनर का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया तो वो लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, बाकी प्रॉफिट लॉस आपको पता ही है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी अप्रोप्रिएशन में आता है। नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, नेट लॉस है तो किधर आएगा, डेबिट में। अब देखो इसमें क्या है, रेंट टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, ये दोनों बिजनेस के एक्सपेंस है, मैनेजर कमीशन ये भी नहीं आता, ये तीनों हमारे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का एक्सपेंस है
और इसका पेमेंट हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है तीनों। तो पार्टनर्स कमीशन हम कहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो पार्टनर सैलरी और कमीशन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अंडर विच सर्कमटेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। व्हेन देयर इज प्रॉफिट, यानी जब सिर्फ प्रॉफिट हो। व्हेन देयर इज लॉस, जब सिर्फ और सिर्फ लॉस हो। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ना हो, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहां पे ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि फर्म का चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई इंफॉर्मेशन दिया हो ना दिया हो, हमें इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड किसे चाहिए, अगर पार्टनर से लोन ले रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डिसाइड होना चाहिए। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड भी नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से तब भी इस पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। व्हेन देयर इज लॉस, मतलब सिर्फ लॉस होगा तभी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो पहला भी गलत होगा कि सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में थोड़े इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा एक्सपेंस है जो कि हमें हर हाल में पे करना ही करना है। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो या फिर पार्टनरशिप डीड ना दिया हो, तब भी हमें इसका जो है इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड इफ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, कब नहीं होगा। तो ये आपने पढ़ा था, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ, फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसमें आपने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसमें आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, इसमें आपने पढ़ा था पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन के लिए, ठीक है, आपने पढ़ा था प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन के लिए पढ़ा था। तो इन तीनों की कंडीशन में क्या था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, ना चार्ज किया जाएगा, ना किसी को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। प्रॉफिट को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बराबर बांट देंगे, जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, देयर इज लॉस, लॉस होगा तब, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए अप्रोप्रिएशन उस कंडीशन में, डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवेन, या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये कब नहीं दिया जाएगा, कब इसको चार्ज नहीं करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड क्या होगा, साइलेंट होगा अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, अप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन ये सब ज्यादा हो आपके प्रॉफिट से तब भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, और डेट ऑफ ड्रॉइंग जब नहीं होता तो एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जब गिवन नहीं होता तो 6/12 यानी 6 मंथ का हम कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंट्री से, और एंट्री से आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ रिजर्व टू बी, अब टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो ये आपको क्या बताना है, डेबिट होगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि जब हम सैलरी या कमीशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो डेबिट होगा जाहिर सी बात है। या आपसे पूछ ले कि क्लोजर के टाइम पे पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट
एंट्री में किस साइड में होगा, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा। तो इसीलिए आपको पूरी एंट्री भी बता दी, फॉर्मेट भी बता दिया कि जिसमें डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे अगर इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है तो क्या ये आपका जो है पार्टनर्स के कैपिटल से डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इनकम टैक्स है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट होता है, लेकिन प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म से नहीं होता। तो ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम्स आए उनके कैलकुलेशंस से रिलेटेड वीडियो और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।